नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ में नीतीश गुप्ता। और फिलहाल हम लोग संत कबीर नगर में मौजूद हैं। अमित शाह की जनसभा थी, 25 तारीख को यहां पे वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, छठवें चरण का चुनाव होना है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग अलग अलग तरीके से आए हैं। जनसभा खत्म हो चुकी है, कड़ी धूप है और अब लोग अलग अलग बैनर पोस्टरों के साथ अपने घर को जाते हुए नजर आ रहे होंगे। सर पे भगवा पट्टा दिख रहा होगा और लोग अलग अलग बातचीत भी लोगों से कर रहे हैं कि क्या लगता है इस बार का क्या माहौल है। हम भी कोशिश करेंगे कि इस बार का माहौल क्या लगता है कि क्या होने वाला है। भाई साहब, अभी आई थी आप अमित शाह की जनसभा में? अच्छा, अरे ये लोग इम्प्लॉय हैं असल में गवर्नमेंट, तो इसीलिए अपना आईडी दिखा के करिए, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। ए भाई साहब, क्या नाम है आपका? उमा शंकर निषाद। अच्छा, उमा शंकर निषाद, रंग एकदम ऐसा बना लिए, हमेशा ही ऐसे रहते हैं सर। अच्छा, घर पे भी तो आज अलग से ये रूप केवल इसके लिए बनाए? नहीं, दिखा सकता हूँ सोशल मीडिया पे, मेरा फेसबुक फॉलोगे तो भी ऐसे पाओगे। आप लग रहा है बहुत प्रचलित है तब, बताइए क्या लग रहा है? अमित शाह जी आए थे, क्या माहौल बना? बहुत माहौल अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। ये देखिए, इसी के साथ तमाम महिलाएं भी आई हैं जो फिलहाल अमित शाह की जनसभा में शामिल होने आई थी। आप लोग अमित शाह की जनसभा में शामिल? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनकी पार्टी से हैं तो। अच्छा, आप लोग भाजपा कार्यकर्ता भी? महिला मोर्चा से जुड़ी? बिल्कुल। प्रदेश मंत्री, इस समय गोरखपुर की लोकसभा प्रभारी। क्या नाम है आपका? नीतू सिंह। अच्छा, नीतू सिंह जी। मैं क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा और इस समय संत कबीर नगर की महिला मोर्चा लोकसभा प्रभारी। मैं जिला उपाध्यक्ष मेन बॉडी में किरण प्रजापति संत कबीर नगर। सबका इंट्रो जरूरी है। हम उषा पांडे, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। आप? मैं महिला प्रमुख संत कबीर नगर जिला, महिला संयोजिका। सभी लोग पदाधिकारी हैं भाजपा के। ये बताइए, अमित शाह जी आए, भाषण दिए, चले गए, क्या माहौल फिलहाल संत कबीर नगर में? बहुत अच्छा। तो प्रदेश लेवल की नेता है, अभी और जिलों पे आएंगे, अभी फिलहाल यहाँ बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा। और केवल संत कबीर नगर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, मैं पूरे कहूँ पूरे भारत वर्ष में मोदी ही मोदी है, मोदी ही लहर है। और आप देखिएगा, इस बार हम लोग 400 पार का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करेंगे। 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि ये लोग 100 के अंदर ही सिमट रहे हैं। कहने दीजिए, जब परिणाम आएगा तो आप देख लीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से, मतलब ऐसा कौन सा काम, ऐसा कौन सा काम पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो जरा आप खुद सोचिए कि क्या कुछ नहीं किया है भारत। राशन, कुछ काम बता, चाहे वो राशन हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, हर स्तर पे मैं गिनवाने लगूं तो 2 घंटे लगेंगे भैया, क्या नहीं। आप लोग कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप लोग कभी महंगाई पे बात नहीं करते, हम लोग भी तमाम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, सब कुछ कर रही है। आपको बताऊं, समूह के बाहर, समूह को जोड़ जोड़ के हमारी बहनों को सशक्त बना रही है, घर बैठे रोजगार दे रही है। पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं कि बेरोजगारी, हर तरह से प्रयास। बेरोजगारी नहीं है, नहीं बेरोजगारी नहीं है, स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा भारत बढ़ रहा है और विकासशील देशों में गिना जा रहा है। आपको पता है कि 11वें चरण से 4थे पायदान पे आ गया है हमारा आर्थिक व्यवस्था, तो ये हमारा भारत सुदृढ़ हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है। जैसे राम मंदिर हुए, 370 का हुआ, अब 3 तलाक का हुआ, महिलाओं के लिए तो इतनी हमारी सरकार कर रही है कि आपको खुद पता है। आप लोग मीडिया अभी अपने भाषण में ये जिक्र करते हैं कि 370 या राम मंदिर या पुलवामा या त्रिसेना को जो है राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर आप लोग चाहे अभी अमित शाह की भी जनसभा चल रही थी उसमें अपने भाषण में भी उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, देश के युवाओं की बात आखिर भाजपा क्यों नहीं कर रही? नहीं, काम हमने किया है तो हम कह रहे हैं, युवाओं के लिए भी वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो चाह रहे हैं कि स्वावलंबन भारत जो बन रहा है तो युवा खुद से सबको ऐसा स्वावलंबन बने कि क्या नाम है, दूसरों को भी नौकरी दे, इतना आत्मनिर्भर बन जाए। और काम बहुत सारे हो रहे हैं, वैकेंसीज भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ही घर में मेरे जो बहन के लड़के अभी IAS हुए हैं, जस्ट 1 साल पहले हुए हैं। UPSC लेवल की तो खैर जो वैकेंसी थी वो तो आती है, ये होता है मैडम। अब भारत जो है आप आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, भारत आत्मनिर्भर के ओर बढ़ नहीं रहा, बढ़ गया है। आज देखिए, बहुत पहले हम लोग विदेशों से हथियार खरीदते थे, आज हमारी मिसाइल
हमारी तोपें विदेश जा रही हैं। मोदी जी हमारे देश को इतना सशक्त कर दिए हैं कि चाइना अमेरिका आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है हमारे भारत से। ये हम लोग फख्र करते हैं हमारे मोदी जी के ऊपर, जो देश हमारा कभी अमेरिका वीजा नहीं देता था मोदी जी को, आज पलक पौड़े बिछाता है कि मोदी जी हमारे यहाँ आए और पूरे विश्व में नाम हो रहा है मोदी मोदी मोदी। हमारे देश में तो हो ही रहा है, पूरे विश्व में मोदी जी जैसा करिश्माई व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी करिश्माई व्यक्ति है, मोदी करिश्माई व्यक्ति है, हम लोगों के जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके अंदर अलौकिक शक्ति है, कुछ प्रभु की ऐसी देन है जो हमारे देश का कायाकल्प कर दिया। और भगवान करे मोदी जी का जीवन सुरक्षित रहे, हमारा देश फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा, विश्व गुरु भारत बनेगा। अब इस बार क्या क्या मुद्दा रहेगा, जैसे आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं के बीच जा रही होंगी, तो फिलहाल क्या उम्मीद लग रहा है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो कई महिलाएं बड़ी नाराज नजर आ रही हैं कि गैस 400 मिलता था 1015। आज के जो महिलाएं हैं वो सब समझ रही हैं, सब लाभार्थी जितने भी हैं सबको लाभ मिल चुका है, किसी न मतलब आपको बताया, जब भी हम लोग सभा करते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो सरकार की योजनाओं का लाभ न उठाया। का लाभ कहाँ मिल रहा है, हर जिले में हर जगह मिल रहा है। कितने रेट पे सिलेंडर, अब उज्ज्वला गैस वाला जो मोदी जी दिए हैं सबको 900 रुपया का था, 400 रुपया सब्सिडी जाती है, 500 रुपया उनको सिलेंडर मिलता है। कौन बहन नहीं पाती है, हर बहन पाती है। अगर हम लोग का कह रहे हैं अगर 1000 का सिलेंडर मिल रहा, मोदी जी आए 5000 का सिलेंडर मिल रहा, फिर भी लेंगे हम लोग, आप लोग लेंगे, लेकिन मोदी जी रहेंगे 5000 का मिलेगा सिलेंडर, फिर भी लेंगे, लेकिन मोदी जी रहेंगे। बेरोजगारी दर बढ़े नहीं। क्या रोजगारी क्यों, देखिए रोजगारी में क्या, गरीब आदमी जो है वो 450 रुपया ले रहे हैं, 450 रुपया मजदूरी उनको मिला, किस चीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब ठीक है हम लोग के यहाँ। रेट बढ़े, महंगाई बढ़े, रेट बढ़ रहा, कमाई भी बढ़ रहा, किस चीज की, क्या चीज की महंगाई है, रेट बढ़ा, कमाई बढ़ा, महंगाई बढ़ी, इसमें क्या बात है। अखिलेश यादव अलग आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी अलग आरोप लगाते हैं कि ये मजदूर गरीब की बात नहीं करते। नहीं जरा आप उनसे पूछिए वो क्या किए इतने वर्षों से मोदी जी ने, तो अरे आएंगे तो खटाखट खटाखट, मोदी सुनिए मोदी राजनीति खत्म हो गई, अखिलेश यादव का गुंडागिरी लाठी डंडे की राजनीति खत्म हो गई, अब सपना देखे सत्ता में आने के लिए। आरोप लगाएगा ही, अगर भाजपा सरकार अच्छा करेगी तभी भी पक्ष आरोप लगाएगा, उसका आरोप लगाना काम है। कबीर नगर में क्या स्थिति लग रहा है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी स्थिति, ठीक है एकदम एकदम, हम जब सब हर जगह पिछले बार स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, इस बार की बैटिंग बिना विकेट की बैटिंग, प्रवीण निषाद कर रहे हैं, विकेट नहीं है, जितना मर्जी बॉल फेंके भी बैट सब चौका छक्का, बॉलर है कि नहीं, कोई बॉलर है कि नहीं, बॉलर है, बॉलर कौन है, कोई नहीं, अपना उठाना है, अपने मारना है, कोई नहीं। अलग अलग लोग हैं, देखिए एक और भाजपा से जुड़ी महिला है, उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। आप भी भाई भाजपा से जुड़ी? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है फिलहाल, अभी अमित शाह की रैली थी, अभी आप उनके भाषण को सुनी, क्या लग रहा है फिलहाल लोगों में, क्या माहौल है? कमल खिल रहा है और प्रचंड बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, प्रचंड बहुमत से, भारी बहुमत से जीत रही है। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी आएगी और विपक्ष का नामो निशान इस बार मिटने वाला है जी। 400 पार का नारा भाजपा दे रही है लगातार, बिल्कुल 400 पार हमारा आएगा, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, पूरे भारत में मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के कार्यों की गारंटी के आधार पर 400 पार का नारा पर पार होगा। क्षेत्र उपाध्यक्ष है और महिला भी है, सवाल एक ये कि महिलाएं महंगाई से काफी परेशान है, गैस जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं महिलाओं से बात करते हैं, गरीब महिलाओं से जब बात करते हैं तो उनके मुंह से यही शब्द आता है कितनी महंगाई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ऊपर के। देखिए कोई भी सरकार आएगी, महिला जो महंगाई होती है वो परिस्थितियों पर निर्भर होती है, कई कारण होते हैं महंगाई के, महंगाई से कोई भी सरकार आएगी ऊंच नीच होती है, फिर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी जी की जो सरकार है आज हमारे देश को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचा दिया, 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचा दिया, और अगले टर्म में उनका विजन सेट है, वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं पूरे विश्व में। महंगाई कोई
विश्वगुरु बिल्कुल बनेगा। भारत विकसित भारत का जो संकल्प है मोदी जी का, वो अगले टर्म में पूरा करने वाले हैं और पूरी भारत हमारा, भारत के पीछे पूरी दुनिया चलने वाली है, मोदी जी के पीछे पूरी दुनिया चलने वाली है। तो ये तमाम कुछ महिलाएं थी जिनका साफ कहना था कि अब की जो है 400 पार का जो नारा है वो एकदम होने वाला है और अलग अलग बातों को और बता रही थी। बाकी खबरों के जुड़े हमारे साथ देखते रहो।